तो नेक्स्ट हम अब एल्गोरिदम से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो चार एलिमेंट्स है, ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट गिवन था, वेट गिवन था, और मैंने इसको अरेंज किया, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, 20, 200, 80, 70 और 30, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। अब मैं इसके बाद एल्गोरिदम इसमें अप्लाई करूँगी। तो एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप देखो क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है फॉर आई इक्वल टू 1 to n डू एक्स आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आई इक्वल टू 1 to कहाँ तक जाना है, 4, क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स है। मुझे क्या करना है, एक्स आई को कितना करते जाना है मुझे यहाँ पे 0। तो अब मैं यहाँ पे एक एक्स आई ले लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्स आई हो गया, यस। तो सबसे पहले एक्स वन, ये मेरा 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स वन को क्या करूँगी यहाँ पे 0, एक्स टू 0, एक्स थ्री 0 और एक्स फोर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 0। अब हर बार जब भी मैं ये वेट को बैग में डालूँगी तो यहाँ पे अगर पूरा डाल दूँगी तो 1 आ जाएगा, आधा डालूँगी तो वो फ्रैक्शन आएगा, और अगर डालूँगी ही नहीं तो एक्स आई की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 0। तो उसको हम लोग आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट हमको चेक करते जाना है, अब हमको इनिशियलाइज़ करना है लोड को, ओके। सो अब मैं लोड को इनिशियलाइज़ करूँगी, तो इनिशियली लोड कितना है 0, ओके। और उसके बाद मैं आई को 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप मुझे तब तक चलाना है, कंडीशन दिया है कि मेरा लोड, ठीक है, मेरा लोड जो है लेस देन रहना चाहिए मेरे वेट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेट दिया नहीं था, वेट है मेरा यहाँ पे 5, यानी बैग की कैपेसिटी कितनी है मेरी 5, ठीक है। तो लोड लेस देन होना चाहिए मेरा W से, एंड सेकेंड कंडीशन मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन। तो अभी इनिशियली आई कितना है 1 और एन का कितना है आपका 4, और लोड कितना है मेरा, ये वेट 5 है और लोड कितना है अभी इनिशियली 0। तो ये कंडीशन मेरी अभी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ठीक है। ये जैसी ट्रू होगी तो मेरे पास एक इफ़ पार्ट रहेगा और एक एल्स पार्ट रहेगा, ठीक है। इफ़ अगर आप वेट को ऐड पूरा कर सकते हो बैग में, अगर इतनी जगह है तो ठीक है, लेकिन अगर आप वेट का सिर्फ आधा पोर्शन ही ऐड कर, आधा या जो भी फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो, तब आपका ये वाला, जब जगह नहीं होती है, थोड़ी जगह बची रहती है तब, तो ये वाला पोर्शन जनरली लास्ट में ही यूज़ होता है, पहले तो यही वाला पोर्शन आपका बार बार यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले वो बोलता है व्हाइल लोड इज़ लेस देन W, ठीक है। तो ये तो आप उसके बाद इफ़ कंडीशन, ठीक है, इफ़ कंडीशन बोलता है WI, ठीक है, लेस प्लस आपका लोड इज़ लेस देन इक्वल टू W, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे WI यानी अभी I की वैल्यू कितनी है 1, तो W1 कितना है यहाँ पे, W1 का वेट कितना है 1, और इनिशियली लोड कितना है 0, और ये कितना है आपका 5, तो ये ट्रू है, 1 + 0, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, लोड में इसको ऐड कर देंगे, तो अब लोड जो हो जाएगा लोड प्लस WI, दैट इज़ नथिंग बट लोड अभी इनिशियली कितना है 0, और W1 कितना है आपका 1, तो लोड की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 1। और क्योंकि मैंने पूरा का पूरा W1 को मैंने बैग में रख दिया है, तो इसका अब XI को अब मैं XI यानी X1, ठीक है, X1 को अब मैं यहाँ पे कितना लिखूँगी यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट 0 हट के अब ये कितना हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब आपका अब आप ये वाइल लूप को तब तक, अब फिर हम आई को अब इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो अब आई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 इज़ लेस देन 4, ठीक है। और लोड अभी देखो कितना हो गया मेरा 1, तो ये जो ये है 1 जो है मेरा लेस देन क्या है 5 है, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, 1 < 5, ये भी ट्रू हो गया। तो अब मैं फिर से चेक करूँगी, ठीक है, अब चेक करूँगी W2, अब W2 कितना है मेरा, देखो यहाँ पर W2 कितना है मेरा 3, ठीक है, 3 प्लस, ठीक है, W ये वाला है ना, W2 कितना हो गया 3, और लोड अभी 1 था, ठीक है, तो 3 + 1 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू है, एंड
ये आपका ट्रू है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये पूरा का पूरा थ्री को मैं लोड में ऐड कर दूँगी। तो अब फिर से देखो, लोड इक्वल टू लोड प्लस डब्ल्यू आई। तो अब लोड कितना हो जाएगा, देखो अभी लोड अभी कितना था, वन प्लस डब्ल्यू टू कितना है पूरा आपका, थ्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, फोर। तो अब लोड कितना हो जाएगा, फोर। और साथ ही साथ एक्स टू को कितना कर दूँगी, वन। तो एक्स टू भी अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, वन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब आई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई थ्री हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे थ्री लेस देन फोर ट्रू है। एंड यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है, लोड कितना है मेरा, अभी लास्ट लोड कितना निकला है, फोर। क्या फोर मेरा लेस है फाइव से, यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये दोनों ट्रू है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ डब्ल्यू आई यानी डब्ल्यू थ्री देखो कितना है आपका, टू, ठीक है। तो इफ टू प्लस लोड लेकिन अभी लास्ट जो निकला वो कितना निकला, फोर। क्या टू प्लस फोर लेस देन फाइव है क्या, ये फॉल्स हो गए। तो इफ़ आपका फॉल्स हो गया, तो अब हम किस में जाएंगे, हम एल्स में जाएंगे, ठीक है। एल्स क्या बोलता है, अब आप क्या करो, एक आर वेरिएबल ले लो, ठीक है। ये आर जो है मुझे फ्रैक्शन देगा, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे देगा, देखो मेरा बैग का कैपेसिटी कितना है, फाइव, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट डब्लू। तो डब्लू माइनस, ठीक है, डब्लू माइनस हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका लोड में मतलब जितना अभी तक था। तो लास्ट वाला लोड कितना है मेरा, फोर। तो ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, ठीक है। अब लोड में मैं इसको ऐड कर दूँगी, तो लोड इक्वल टू फाइव, आपका लोड कितना था, फोर, प्लस आर कितना है आपका, वन। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब लोड फाइव हो गया, ठीक है। और एक्स आई, इसको ध्यान से देना, एक्स आई इज़ नथिंग बट एक्स थ्री इक्वल टू आर। आर कितना निकला था अभी मेरा, वन। ये देखो आर यहाँ पे कितना निकला है, वन, बाय डब्लू थ्री। डब्लू थ्री देखो कितना है यहाँ पे, टू, तो वन बाय टू। तो यहाँ पे अब एक्स आई कितना हो जाएगा, वन बाय, ओके। अब फिर से इंक्रीमेंट करेगा, आई एफ फोर हो जाएगा। तो आई एफ फोर होगा, तो ये वाला तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे अब लोड कितनी है मेरी, देखो लास्ट लोड कितना निकला है, फाइव। क्या फाइव लेस है क्या, फाइव से नहीं है। तो अब हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। सो ये मुझे फाइनल मिल गया, मेरे को एक्स आई वैल्यू मिल गया। अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यस प्रॉफिट निकलेगा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स आई देखो, वन इंटू 200 प्लस आपका क्या, वन इंटू 240 प्लस वन बाय टू इंटू 140 प्लस, ये आखिरी वाला तो चेंज हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो ज़ीरो इंटू 150, ठीक है। सो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, 510 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एल्गोरिथम के मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी, आप उसको सॉल्व करो एल्गोरिथम की मदद से इसी के साथ साथ, ठीक है। और मैं ओके, आई विल स्टॉप हियर नाउ, ओके।